उधमपुर पिछले कई दशकों से आ रहा हूं, शायद कश्मीर में मेरा आना जाना, जम्मू कश्मीर की धरती पर आना जाना पिछले 5 दशक से लगातार चल रहा है। मुझे याद है 1992 में एकता यात्रा के दौरान यहां जो आपने भव्य स्वागत किया था, जो सम्मान किया था, एक प्रकार से पूरा क्षेत्र रोड पर आ गया था। और आप भी जानते हैं तब हमारा मिशन कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का था। तब यहां माताओं बहनों ने बहुत आशीर्वाद दिया था। 2014 में माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आया था और इसी मैदान पर मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियों ने जो कुछ सहा है उसे मुक्ति दिलाऊंगा। आज आपके आशीर्वाद से मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी है। दशकों बाद ये पहला चुनाव है जब आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, बंद, हड़ताल, सीमा पार से गोलीबारी, ये चुनाव के मुद्दे ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी सारे दल जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहते हैं। इन परिवार चलित पार्टियों ने परिवार के द्वारा ही चलने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झांक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झांक सकता था। और ऐसा भ्रम बना के रखा था कब उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। दीवार गिरा दी इतना नहीं, उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है। मैं चुनौती देता हूं हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं
वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे, ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। अब हमारे फौजियों की वीर माताओं को चिंता नहीं करनी पड़ती क्योंकि पत्थरबाजी नहीं होती है। इतना ही नहीं, घाटी की वो माताएं मुझे आशीर्वाद देती हैं, उनको चिंता रहती थी कि बेटा अगर 2-4 दिन दिखाई न दे तो उनको लगता था कहीं गलत हाथों में तो नहीं फंस गया है। आज कश्मीर घाटी की हर माता चैन की नींद सोती है क्योंकि अब उनका बच्चा बर्बाद होने से बच रहा है। साथियों, अब स्कूल नहीं जलाए जाते बल्कि स्कूल सजाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के भाई बहन, आपने पहले इतने बुरे दिन देखे हैं कि आपको ये सब बहुत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, विकास जैसा लग रहा है, लेकिन जो मोदी है ना, वो तो बहुत बड़ा सोचता है। ये मोदी दूर का सोचता है और इसलिए अब तक जो हुआ है वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। मुझे तो नए जम्मू कश्मीर की नई और शानदार तस्वीर बनाने के लिए जुट जाना है। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक, अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे।